आपकी खिदमत में हैं। और इसमें एक बात याद रखें कि हमारे पास डिटरमिनेंट्स को प्रूफ करने के या फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक आपका एक्सपेंडिंग बाय लैपलस या एक्सपेंशन मेथड से किया जाता है, जो कि बेहतर होता है अगर या नंबर्स हों तो उससे किया जाए। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स या अल्फा बीटा गैमा इस तरह के वेरिएबल्स टाइप के नंबर्स दिए जाए तो फिर इस सूरत में हमें प्रॉपर्टीज से करना होता है। और दूसरी ये बात कि जिससे वो कहेंगे उसी से हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम प्रॉपर्टीज से करेंगे। और हमारे पास प्रॉपर्टीज से तीन टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और मेरे तरीकेकार के मुताबिक ये तीसरा मेथड है। और इसमें हमें इस डिटरमिनेंट्स को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। याद रखें कि जिसकी पावरें छोटी हों वो साइड ले लेना जरा बेहतर है। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमें इस डिटरमिनेंट्स को बिल्कुल इस तरह से लेके आना होगा। और क्या ऐसा करें कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि गैमा अल्फा पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड हम उतार देंगे। और चूंकि ये पुरानी बुक में क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस टाइप का नहीं था मेरा ख्याल से, लेकिन बहरहाल अच्छा है कि कुछ नया सीखने को मिला। याद रखें कि हमारे पास इसके लिए बाकायदा प्रॉपर्टीज सीखनी पड़ती है। और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है। थर्ड कॉलम में हमारे पास अल्फा बीटा गैमा तीनों मौजूद हैं, तो हमें यहाँ से टेकिंग कॉमन कर लेंगे और किसको अल्फा बीटा गैमा। और डिटरमिनेंट्स में हमें मेंशन करना होता है कि हम कहाँ से ये कॉमन ले रहे हैं, C3 यानी कि ये थर्ड कॉलम कहलाता है। इस तरीके हमें कॉलम 3 से अल्फा बीटा गैमा कॉमन लेना है। और जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो वही रहेगा फर्स्ट कॉलम में अल्फा बीटा गैमा, गैमा अल्फा और अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पे 1 1 1 आ जाए। अब कितने हम कामयाब हुए इस शक्ल को लाने में, तो अल्फा बीटा गैमा देखा जाए तो हमें ये बिल्कुल सेम महसूस हो रहा है और आगे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम इसे कहें कि बिल्कुल एक जैसा है। अब यहाँ पे करना इस तरीके से है कि हमें फर्स्ट रॉ को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है। और याद रखिए कि तमाम बच्चे इस स्टेज पे शायद ये सोच रहे हो कि हमें कैसे पता लगेगा, आपको टीचर बताएगा, मैं बता रहा हूँ और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि आपको R1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे अल्फा से, और इसी तरह R2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपने बीटा से करना है, और इसी तरह R3 को, और याद रखें कि मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी किया जाता है, ठीक है, मैथ का रूल है जितना मल्टीप्लाई करें उतना डिवाइड भी करें। और R3 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, आपको करना है किससे, गैमा से, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। सेकंड ये कि आप एक लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि R1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय अल्फा, और R2 मल्टीप्लाई, मतलब सेकंड रॉ में कह देंगे R2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय बीटा, R3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय गैमा। लेकिन मैंने इस तरीके से करके बताया ताकि थोड़ा सा आपको जगह सेव हो जाए और मैं आपको जल्दी जल्दी समझा सकूं। तो अब होगा क्या कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो रहा है, जैसे R1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा, तो यहां अगर आप देखें तो अल्फा बीटा ऑलरेडी हमारे पास न्यूमिनेटर में मौजूद है, लेकिन R1 से हम अल्फा अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर अल्फा बीटा गैमा हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा होगा। तो ये टेक्निक आपके इससे पहली बुक में भी थी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉमन लेने का प्रोसेस चेंज हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं अल्फा डिवाइड में भी लिख दूंगा। तो बेसिकली जब R1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ अल्फा, तो अल्फा तो अंदर चले गया और अपॉन का बाहर हमने मेंशन कर दिया, तो सेकंड रॉ में इसी तरह ये बीटा स्क्वायर हो गया और ये अल्फा बीटा गैमा, और यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, बीटा हो गया, और यहां मैंने अब बीटा लिख दिया, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड पे कोई भी अल्फा बीटा नहीं है तो इसको जाना भी होगा यहां से। तो इसी तरह से थोड़ा सा हमारी मैचिंग भी इसमें होती जा रही है। तो अब थर्ड में हमने R3 में गैमा को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो यहां पे हमारे पास जो गैमा है वो गैमा स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां पे अल्फा बीटा गैमा अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे, एक जैसा आ रहा है यहां पे, और यहां पे गैमा आ गया। अच्छा, तो अब यहां पे हमें डिवाइड में भी गैमा करना, और इसको हमें हटाना था और इस तरीके से हटके ये कैंसिल हो चुका है। अब अगर हम इस वाले यानी कि जो हम लेके आए हैं और जो हमें लाना है उसमें अगर हम मैचिंग करें, तो अल्फा बीटा गैमा तो यहाँ पे मैच हो रहा है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर भी मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ये मैच नहीं हो रहा। अब सिलसिला इस तरीके से है कि हमें जो है इसको डिवाइड करने के बाद R C2 से दोबारा हमें अल्फा बीटा गैमा कॉमन लेना पड़ेगा, तो उसके बाद ही कोई सिलसिला आगे इंशाल्लाह हो जाएगा। तो टेकिंग अब क्या होगा कि अल्फा बीटा गैमा आगे पीछे हो गया, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं, C2 से हो गया। तो इसके बाद ये है कि यहाँ पे ये तो अल्फा बीटा गैमा कैंसिल हो चुके थे, दोबारा आ गया अल्फा बीटा गैमा, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ पे भी 1, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गैमा,
तो आप देखिए बड़ा अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन हमें ये महसूस हो रहा है, क्योंकि वही कहानी जो पहले हुई वही हमें कहानी दोबारा करनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ अल्फा या वन है, तो सिर्फ क्या है कि यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली शक्ल बन जाएगी, लेकिन आगे पीछे बनेगी और ये दोबारा कटना होगा। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। तो अब हम दोबारा इसी तरह से कहेंगे कि आर वन को हमने मल्टीप्लाई करना है फिर अल्फा और अपॉन में अल्फा, और आर टू को मल्टीप्लाई करना है बीटा अपॉन बीटा से, और इसी तरह से आर थ्री को हमने मल्टीप्लाई करना है अपने गैमा अपॉन गैमा से। ठीक है, तो अब बिल्कुल पहले की तरह ही होगा। और एक तरह से अगर यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा ऑलरेडी मौजूद है, तो अब अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं कि अल्फा बीटा गैमा नीचे भी आएगा, क्योंकि आर वन से जो अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा था वो अल्फा नीचे का अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब सॉरी और अल्फा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे इसको हमने क्लोज किया, तो यहाँ पे बीटा क्यूब और यहाँ पे बीटा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ गया, और इसी तरह से यहाँ पे गैमा का क्यूब और गैमा स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आगे पीछे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी ये क्यूब की कॉलम और यहाँ पे क्यूब का है, और यहाँ वन पावर लीनियर है या स्क्वायर में, सिर्फ आगे पीछे। तो अब हमें करना यह है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है जिसके तहत याद रखें कि अगर कोई भी दो कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे, हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट्स के बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, और फर्दर करेंगे तो हर एक स्टेप में हमारे पास एक माइनस मल्टीप्लाई होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरीके से है कि हमें यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, तो पहले हम इस तरह से करते हैं कि इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज में ये होगा कि अल्फा बीटा गैमा सी वन पे आ जाएगा और सी वन वाला सी टू पे आ जाएगा, तो बाहर आपको एक अदर माइनस लगाना होगा। यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया, और आपका यहाँ पे जैसे कि अल्फा बीटा और गैमा, और यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब आ चुका है, और एक अदर हमने माइनस लगाया, जबकि यहाँ पे आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब ऑलरेडी मौजूद था, बीटा स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद था। अब फर्दर ये है कि इन दोनों को रिप्लेस करना है, और इस तरीके से ये वाला माइनस मजीद एक इंटरचेंज होगा जिससे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी मसला आपका हल हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब, तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी राइट हैंड साइड लेके आना वो हमारे पास आ चुका है, और बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर इसी तरह ये पूरा का पूरा सेम टू सेम आ चुका है। और एंड में हम कह देंगे कि हैंस ये जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, तो हैंस करके हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास प्रूफ हो